बिल्कुल बच्चों वाला दूंगा, बिल्कुल बच्चों वाला. When angle is 45 degree, when angle is 45 degree, what is the ratio of range and maximum height? What is the ratio of range and maximum height? केवल फॉर्मूले को टच कर रहे हैं. चलो 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 जल्दी करो. So the ratio is 4:1. Clear? इसका B part. मतलब ऐसे 2-3 सवाल करवाऊंगा. इसका B part. या चलो नया क्वेश्चन लिख लो. नया क्वेश्चन. Range and maximum height are same. Find the value of theta. मतलब जो initial angle होगा वो निकालना है. Find the value of theta. चलो यहाँ देखो, ये भी मैं करूँगा, तुम बस बोर्ड पे देखो. इसको important लिखना सवाल को. Range और height same है, ठीक है. अब range का formula. ये लिखा हाइट का फॉर्मूला. अब इसको सॉल्व करके देखो जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म्स. बच्चों थोड़ा ध्यान देखो. 2 × 2 4. θ = tan−1 4. This is the angle of projection. Next, लिखो important, फिर लिखो important. सवाल कुछ ऐसा है, देखो पहले प्रैक्टिकली समझा दूं. वो बोलते हैं कि एक बॉल को एक पर्टिकुलर इंसान मैक्सिमम ऐसे में एच फेंक पाता है. क्वेश्चन आएगा, ये तो मैं विजुलाइज करवा रहा हूं. वो बोलेंगे अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल vertically up to height h if with same speed he throws at angle. ये भी नहीं बोलेगा एंगल. इफ देन क्वेश्चन आएगा व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच द बॉल कैन बी थ्रोन. मतलब भाई आपके पास ताकत जो है वो तो सेम ही है. आपने एक बार ऐसे फेंका, इट गोज अप टू हाइट h, बट दिस इज नॉट प्रोजेक्टाइल, दिस इज सिंपली वर्टिकल मोशन. तो अब वो बोलेंगे व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच द बॉल कैन बी थ्रोन इन टर्म्स ऑफ h. तो बस फर्क ये रहेगा कि इस समय आप फेंकोगे उसको कितने एंगल पर, 45, और स्पीड इस समय भी वही रहेगी जो आपने यूज की थी इन द केस ऑफ वर्टिकल. क्वेश्चन लिखो. अ बॉल कैन बी थ्रोन vertically to a maximum height h. A ball can be thrown to vertically to a maximum height h. What can be the maximum distance up to which? the maximum distance up to which the ball can be thrown. The ball can be thrown in terms of h, in terms of h. चलो यहाँ देखो, बट बच्चों यहाँ देखो, अगर वो v से फेंकता है तो इट गोज अप टू v² by 2g. अब इसी v से वो फेंकेगा कितने एंगल पर? 45, ताकि रेंज क्या आ जाए? मैक्सिमम. तो अब वो रेंज का जो फॉर्मूला रहेगा मैक्सिमम वाला, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? 2v² by g. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम रेंज. को याद कर लो, कहीं गलती है? यहां पे 2 नहीं रहेगा, सॉरी, वही मुझे कहीं गलती लग रहा था. रेंज का, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है v² by g. सो द आंसर इज 2h. तो अगर आप एक बॉल को 10 मीटर ऊपर फेंक पाते हो वर्टिकली 10, देन यू कैन ओनली थ्रो अप टू 20. उससे ज्यादा आप नहीं थ्रो कर पाओगे. एक ये सवाल किताबों में मिलता है, सुनो. वो बोलेंगे एक गन है, गन से बुलेट्स फायर की जा रही हैं v0 स्पीड से. बुलेट्स फायर की जा रही हैं v0 स्पीड से रैंडमली. तो मैक्सिमम कितना एरिया होगा जिसमें बुलेट्स गिर जाएंगी? तो पहले निकालो, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा वो रेंज के बराबर होगा. एट व्हाट एंगल? 45. उसके अंदर सारी बुलेट्स मिलेंगी, तो वो जो चीज होगी वो क्या बनेगी? एक सर्कल. अब रैंडमली चला रहे हो तो बोलेंगे व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एरिया इन विच ऑल बुलेट्स विल फॉल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी दैट एरिया विल बी सर्कल हैविंग रेडियस इक्वल टू मैक्सिमम रेंज. क्वेश्चन लिखो, बुलेट्स आर फायर्ड with speed v0. With speed v0 in different directions. What will be the maximum area? In which all bullets will fall. What will be the maximum area in which all bullets will fall? तो बेटा लिख दो उसमें, it will be a circle. It will be a circle having radius. It will be a circle having radius equal to that of range at 45 degrees, equal to that of range at 45 degrees. तो वो रेंज आ जाएगा. सो एरिया दिस इज दैट पर्टिकुलर एरिया इन विच ऑल बुलेट्स विल फॉल. अब मुझे 10 मिनट एक क्वेश्चन को करवाने में लगेंगे. मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है बट करने में टाइम लगता है. इंपॉर्टेंट लिखो.